If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then you have to show this. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी एक रफ फिगर बना लेते हैं. तो इसमें तो इंटरसेप्ट दे रखा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. तो इसमें इस लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं ए एंड बी, तो यानी कि ए कोमा जीरो और जीरो कोमा बी. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू y. ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म है. इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्म यूज कर लिया, a और b इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो x अपॉन a जो कि x इंटरसेप्ट है, y अपॉन b, b जो कि आपका y इंटरसेप्ट है. अब इसमें साथ साथ एक चीज और दे रखी है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन P दे रखा है. तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये P दे रखा है आपका ओरिजिन से. ओरिजिन मतलब 0 0, ये डिस्टेंस आपका P दे रखा है. तो इसमें भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बट उससे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो. अच्छा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, एच के और लाइन हमारी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा होता है ए एच प्लस बी के प्लस सी होल अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब अगर आप यहां कंपेयर करें तो देखिए, जो कैपिटल ए है वो मेरा स्मॉल बी है, कैपिटल बी जो है वो मेरा स्मॉल ए है, और जो कैपिटल सी है वो स्मॉल माइनस का ए बी है. ये वैल्यू से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और ओरिजिन हमारा एच और के ओरिजिन है. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब ये वैल्यूज को रखते हैं. तो डी डी डिस्टेंस मेरा पी ऑलरेडी दे रखा है, ये डिस्टेंस पी दे रखा है. अब एच और के ओरिजिन है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सी लिख दीजिए. तो माइनस का ए बी अपॉन में कैपिटल ए का स्क्वायर यानी कि स्मॉल बी का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी यानी कि स्मॉल ए का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए. यहां पर तो स्क्वायर अगर करते हैं तो ये होता है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर एंड होल अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब यहां रेसिप्रोकल कर दीजिए, अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. एलसीएम को अगर ब्रेक कर दें तो ये हमारा बनता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर. यही तो प्रूव करना था हमें, यही हमें प्रूव करना था. ये हमारा आ गया, देखो ये हमारा वन अपॉन पी स्क्वायर और ये रिजल्ट आ रहा है. हेंस